कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने ली सीएम पद की शपथ। कल राज्यपाल ने दिखाई थी हरी झंडी। 15 दिन में येदियुरप्पा को साबित करना होगा बहुमत। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस का हल्ला बोल। दोनों पार्टियों ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। एचडी देवेगौड़ा भी प्रदर्शन में शामिल। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, लोकतंत्र का मोदी सरकार ने कैसा किया हाल, बीजेपी ने संविधान को दबाया। सपा प्रमुख अखिलेश और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने साधा निशाना। बोले, 2019 चुनाव में कर्नाटक प्रकरण को दोहराएगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को चला कर्नाटक की सत्ता का नाटक। येदियुरप्पा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी सुनवाई। बीजेपी के साम दाम दंड भेद की नीति से बचने के लिए कांग्रेस ने विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाया। कांग्रेस के सभी विधायक इगल्टन रिजॉर्ट पहुंचे। पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। बड़ी जीत की ओर सत्तारूढ़ टीएमसी, बीजेपी दूसरे नंबर पर। भारी हिंसा के बीच हुआ था चुनाव। मुलायम ने की सीएम योगी से मुलाकात। सरकारी बंगले को लेकर की बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बंगला खाली करने का आदेश। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन बंद होने के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती की आतंकियों के परिवार से अपील। युवकों को प्यार की भाषा सिखाए परिवार। जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बोला सीएम नीतीश कुमार पर हमला। भाजपा को छोड़िए और राजद कांग्रेस की सरकार बिहार में बनाइए। मुख्य सचिव पिटाई मामले में सीएम केजरीवाल का नया दाव। कहा, पुलिस पूछताछ की खुद कराएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्नर ने बनाई राजनीतिक पार्टी। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी। कोर्ट की अवमानना के चलते जेल गए थे कर्नर। बुजुर्गों बीमारों को बैंक खाते में आधार वेरिफिकेशन से छूट। जारी हुआ नोटिफिकेशन, वोटर आईडी कार्ड से खुलवा सकेंगे खाता। पत्नी ऐश्वर्या को तेज प्रताप यादव ने साइकिल पर कराई सैर। वायरल हो रही है तस्वीर, लोगों ने किया पसंद। नॉर्थ कोरिया के दौरे पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। उत्तर कोरिया ने कहा, भारत की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां मंजूर नहीं। आईपीएल में बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला आज। बेंगलुरु में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। दिशा पाटनी के हाथ लगा बड़ा ऑफर। अब सलमान खान के साथ आएंगी नजर। फिल्म भारत में काम करने का मिला मौका। और शादी के बाद अपना नाम बदलने पर ट्रॉल हुई सोनम कपूर। लोगों ने पूछा, आनंद भी सरनेम बदलेंगे क्या।